श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्गाश्रम में दिनांक 24 मई 1941 को प्रातःकाल के समय दिया गया। पैठ संख्या 114, प्रवचन संख्या 4, विषय स्वार्थ का त्याग करें। स्वार्थ से दुनिया को कुछ भी फायदा नहीं है। विलासिता के कारण ही आज यह दशा हो रही है। स्त्रियों में भी विलासिता और शौकीनी यानी अमीरी आ गई। इससे बुरा परिणाम हो रहा है। मुसलमानों का राज्य भी विलासिता के कारण गया। मन को जीत कर रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। इसी से गीता में बतलाया, यतात्मवान हो। भगवान में मन बुद्धि लगाने वालों की भगवान ने इतनी प्रशंसा की है, अतः हमें भी भगवान में मन बुद्धि लगा देनी चाहिए और प्रत्यक्ष विश्वास करके जैसा उन्होंने कहा है वैसा उनका ध्यान करना चाहिए। उनके ध्यान में मस्त होकर ही विचरना चाहिए। परमात्मा की बड़ी कृपा है, उनका सदा हमारे सिर पर हाथ है। खाते पीते सोते जागते भगवान हर समय साथ रहते हैं। इस प्रकार अपने परम प्यारे प्रभु को सदा अपने साथ रखना चाहिए और हर वक्त उसे देख देख कर आनंद में मग्न रहना चाहिए। उसके ध्यान को, लीला विग्रह को कभी न भूले, कभी हृदय से न बिसारे। जहां हमारी दृष्टि जावे, मन जावे, वहीं भगवान। जैसे गोपियां देखती थी, नहीं दिखते थे तो रोती थी। भगवान का नित्य संयोग समझकर, दया प्रेम समझकर हंसना, यह भी मार्ग है। और वियोग समझकर रोना, यह भी मार्ग है। चाहे हर वक्त हंसते रहो या चाहे हर समय उनके वियोग में रोते रहो। जैसे हर वक्त हंसना कल्याण को देने वाला है, उसी तरह हर वक्त रोना भी कल्याण को देने वाला है। दोनों तरह के भक्तों को भगवान मिले हैं। प्रह्लाद हंसता है तथा रुक्मिणी जी और भरत जी रोते हैं। दोनों तरह के भक्तों को भगवान मिले हैं।
कहीं रुला देते हैं फिर हंसाते हैं, कहीं पहले हंसा देते हैं फिर बाद में रुला देते हैं। दोनों में आपको अच्छा लगे वह करो और भगवान के ध्यान में मस्त रहो। अपने को ध्यान में मस्ती की बात अच्छी लगती है। शांति और आनंद के समुद्र में डुबोकर विचरना चाहिए। प्रश्न, योग क्षेम किसे कहते हैं? उत्तर, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। साधक का अभी तक जितना साधन हुआ है उसकी रक्षा और जो प्राप्त नहीं है उसे मिला देना, यानी परमात्मा की प्राप्ति करवा देना। इसका कई लोग लौकिक योग क्षेम भी अर्थ लगाते हैं। प्रश्न, योग क्षेम भगवान निभाते हैं पर ऐसा निश्चय नहीं होता, इसका क्या कारण है? उत्तर, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण विश्वास नहीं है। पापों के कारण हृदय का ज्ञान नाश नहीं हो रहा है। परमात्मा के तत्व रहस्य और प्रभाव को नहीं जानने के कारण विश्वास नहीं है। वैराग्य और उपरामता यदि हो जावे तो सारे प्रश्न हल हो जावे। देखिए कैसी स्वाभाविक शांति है। गंगा की हवा भी मददकारक है, समय भी मददकारक है। ऐसी जगह ध्यान खूब लगता है। आनंद सब जगह आकाश की तरह परिपूर्ण है। ज्ञान स्वरूप आनंद है। इतनी चेतनता हो कि आलस्य नहीं आ सके। इतनी ज्ञान की बहुलता हो कि विक्षेप नहीं हो सके। आनंद अनंत है, चेतन है, बोध स्वरूप है। जितनी स्थिति हो जाए उसे बढ़ाता ही रहे। बस एक परमात्मा ही शेष रह जावे। जितनी निश्चिंतता बढ़े उतनी ही शांति बढ़े।